बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के लिए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा बुसाना गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के समर्थन में वोट की अपील की है। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने नंबर वन हरियाणा को 16वें नंबर पर पहुंचाया। और तो कुछ बात पाई नहीं, अपनी अपनी उपलब्धि तो बताई नहीं। छह साल के करे हमने हरियाणा का भट्टा बटा दिया, जो नंबर एक था वो 16वें 17वें नंबर पर आ गया, आज नंबर एक बेरोजगारी में हो गया, वो तो बताते नहीं। ये एक सीट का कुछ फर्क नहीं पड़ता, हारो चाहे जीत तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये तो भूपिंदर सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा का सवाल है, मेरी की प्रतिष्ठा के सवाल है, ये प्रतिष्ठा का सवाल है इस इलाके का, बड़ौदे हल्के का। और जब थारी प्रतिष्ठा रहेगी तभी तो मेरी प्रतिष्ठा रहेगी। कानून और लाए ले आए, तीन कानून क्या ले आए, ऐसे कानून बनाए जो जमाखोरी भाई कोई तरह जमाखोरी कर लो, कोई लिमिट नहीं। दूसरा, मंडी से बाहर कोई किसी रेट पे खरीदो और किसे बेचो, इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा ये होगा जब किसान की फसल आएगी वो सस्ती जाएगी और बड़े बड़े कॉरपोरेट उसको जमा कर लेंगे, जमाखोरी कर लेंगे। जब मांग बढ़ेगी तो महंगी हो जाएगी, मुनाफा वो कमाएंगे, किसान बर्बाद हो। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।